सो फ्रेंड्स, फेस केयर अगेन। फेस केयर की हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। आज का पेशेंट भी हमारा एक यूट्यूबर भाई है जो फिरोजपुर से आए हुए हैं, तो हमने उनका चैनल भी प्रमोट करेंगे हमारी यूट्यूब में, और ये हमारा चैनल प्रमोट करेंगे, एक दूसरे की हम हेल्प लेंगे और इनसे मैं हेल्प लूँगा कि चैनल को मोनेटाइज भी कर दें, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज मेरे से तो हो नहीं रहा, मेरे को करना ही नहीं आता। मैं तो वीडियो बनाता हूँ, डाल देता हूँ, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। चलो लीव अ पार्ट, सो हम फोकस करते हैं फेस केयर के ऊपर। फेस केयर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक्ने, चिकन पॉक्स या चोट के निशान के की वजह से फेस के ऊपर स्कार बन जाते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करवाना लाजमी हो जाता है। तो उसके लिए वेरियस मेथड्स हैं जो हम इंडियन स्किन के कंटेक्स में अगर मैं बात करूँ तो उसमें हम MNRF, वेम्पायर फेशियल और CO2 लेज़र, सबसीजन या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर जैसे डर्माब्रेजन, माइक्रोडर्माब्रेजन या केमिकल पील्स वगैरह से हम इनको ठीक कर सकते हैं। जो आइस ब्रेक स्कार्स होते हैं उसके लिए TCA क्रॉस वगैरह की टेक्निक्स भी होती हैं, और ये सारी टेक्निक्स को मिला के हम कई बार कम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना पड़ता है पेशेंट को, डिपेंडिंग अपॉन स्किन की कंडीशन के ऊपर और क्या प्रॉब्लम है, कैसी स्किन है, कैसे क्या रिज़ल्ट आएगा, यंग है, ओल्ड है स्किन, हर चीज़, हर फैक्टर, न्यूट्रिशनल लेवल कैसा है पेशेंट का, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसकी रिकवरी के ऊपर। और आज हम जो केस करने जा रहे हैं इसमें हम पेशेंट की स्पेसिफिक डिमांड थी कि CO2 लेज़र करवाना चाहता था पेशेंट, तो हम इनका CO2 लेज़र करेंगे। इनके एक्ने के स्कार हैं, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट स्मूथ फिनिशिंग के लिए ये CO2 लेज़र करवा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि CO2 लेज़र करेंगे, और बिफ़ोर हम स्टार्ट करें मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि काइंडली सब्सक्राइब कर लें। मैंने देखा कि 80-90% जो मेरा यूट्यूब के ऊपर जो व्यूअर्स आ रहे हैं तो वो नॉन सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या उसमें कंटेंट ठीक लगता है आपको, तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और इसका खर्चा वगैरह भी मैं अंत में बताऊँगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। धन्यवाद। तो तू ओवे बना तुहाडे किन्ने सब्सक्राइबर है मेरे? सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग CO2 लेज़र। ये देख रहे हैं आप, ये रेड लाइट की जो इसके ऊपर घूम रहा है सर्कल, तो ये एरिया इस पर CO2 लेज़र पड़ेंगी। CO2 लेज़र में टारगेट होता है वाटर, और ये वाटर कंटेंट को उठा के ये देखिए स्प्लिट मेथड से ये जा रही है। इसकी हमने डेंसिटी और थिकनेस और डेप्थ हमने प्री डिफाइन की हुई है। लेज़र में यही बेनिफिट होता है, जैसे कि आई की लेज़र हम करवाते हैं उसमें भी यही लेज़र यूज़ होती हैं, इसी टाइप की लेज़र होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होती हैं। उसमें थिन लेयर हम निकाल देते हैं, इसमें भी थिन लेयर स्किन की जाएगी, और जहाँ जहाँ हमारे स्कार हैं हम वहाँ वहाँ करेंगे, बाकी की स्किन को टच नहीं करेंगे ताकि कोई डैमेज वगैरह ना हो। क्योंकि CO2 लेज़र में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कई बार स्किन की ब्लैकनिंग हो जाती है, PIH उसको बोलते हैं, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसको बचाने के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट अपना सनस्क्रीन का यूज़ काफ़ी अच्छी तरीके से करे और धूप में एक्सपोजर ना दे, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है, सबको अच्छा लगता है धूप में बैठना, तो हम एडवाइज़ करते हैं कि सनस्क्रीन दिन में 3-4 बार ज़रूर लगानी पड़ेगी पेशेंट को। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पहले इनका चेहरा सुन किया हुआ है एनेस्थीसिया क्रीम के साथ, और पेशेंट को कोई पेन नहीं फील हो रहा। क्यों सर, पेन आपको हो रहा है? नहीं सर, ही इज़ कंफर्टेबल, और स्किन की एक लेयर उतरेगी इनकी 5-6 दिन में, तो इन्होंने मेरे से वादा किया है, ये खुद, क्योंकि खुद भी यूट्यूबर हैं तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो अब हम सबके काम आएगा, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि वो हमारे साथ भी अपना जो है शेयर करें।